बोकारो के जीजीपीएस में 3 दिवसीय वॉलीबॉल कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। झारखंड के लगभग सभी जिलों से खिलाड़ी इस वर्कशॉप में शामिल हो रहे हैं। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से इसका आगाज हुआ। कोविड काल के बाद एक बड़ा आयोजन मोंगिया स्टील के सहयोग से हो रहा है। आइए सुनते हैं मुख्य अतिथि गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष, जीजीपीएस के प्रिंसिपल और झारखंड राज्य वॉलीबॉल संघ के सचिव का क्या कहना है। साथ ही दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की झलकियां। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बोकारो की धरती पर गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में यह कार्यक्रम आज यहां पर इनके सहयोग से हो रहा है। आज सबसे पहले मैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़कर, हाथ बढ़ाकर मुझे अपने साथ मिलाकर इस काम को अच्छे से करने के लिए मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा हौसला बढ़ाया कि आप इसको करो, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक से साथ अगर कोई जुड़ता है तो हौसला भी बढ़ता है और काम भी रफ्तार से होता है। हमारे साथ आज जुड़े हैं तो मैं इससे इतनी खुशी हो रही है कि लोग और इसी तरह जुड़ते जाएँ और हमारे सारे देश के जो बच्चे हैं वो इसी तरह तन से, मन से, दिमाग से पूरी तरह से तंदुरुस्त हों और देश के मजबूत पिलर बने, इससे अच्छा और कुछ नहीं। मैं इनके इस प्रयास की बहुत सराहना भी करता हूं और इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आगे बढ़ के, हाथ बढ़ाकर मेरे इस काम को आगे बढ़ाने का एक जतन किया है और मुझे मेरा उत्साह बढ़ाया है। मुंगिया साहब, अभी जो मुंगिया साहब आपको बता रहे थे, ये जो काम मिला है ESR जो पैसा फंड है, मुंगिया साहब बोलते हैं कि हम देखें और उसको सामने जलता हुआ दीवे में तेल देखें कि सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये मेरे मन को एक बात बहुत छू गई, चाहे किसी सोसाइटी का पैसा हो, चाहे किसी संस्था का पैसा हो, अगर उस पैसे को सही ढंग से यूज करके पब्लिक के ऊपर यूज किया जाए, ना तो पैसे की कमी आ सकती है और ना काम रुक सकता है। ये तो मेरा अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल अपना भी एक्सपीरियंस है कि मैं इस सोसाइटी में जब से घुसा, एक ही स्कूल था, उसके बाद जैसे 4-5 साल के बाद सोसाइटी का अंदर का सारा चीज़ हमने समझा, तब से मैं सबसे पहले इस स्कूल बनाना शुरू किया। उसके बाद दानाबाद में स्कूल बनाया, उसके बाद डाल्टनगंज में बनाया, उसके बाद कॉलेज बनाया। मैं सारी मुंगिया साहब ने जो आपको कहा है कि अगर आदमी का मन हो कि संस्था का पैसा पब्लिक में लगना चाहिए, अगर वो लगाएगा तो ऊपर वाला भी पीछे आके ऐसे हाथ खड़ा करके खड़ा हो जाएगा। और कभी भी मुंगिया साहब को अगर आज क्या हमने बोला स्टेट, जब दो अरादे एक जगह में सही मिल जाए कभी कमी नहीं हो सकती। ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी जगह मुंगिया साहब ने पैर रखा है और ऐसी जगह में कि जहाँ गुरु गोविंद सिंह का स्थान है। गुरु गोविंद सिंह ने अपना सारा सर्वंश वार दिया लेकिन बाजी हारा नहीं, जीत के गया। ये जो मुंगिया साहब अभी काम में लगे हैं, इस काम में जीत के रहेंगे और जहां हमारी ज़रूरत होगी हम मुंगिया साहब के हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आज झारखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में, झारखंड स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का प्रथम दिवस था। आज उसका विधिवत उद्घाटन हो गया। कल जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, सुबह से 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उनकी कार्यशाला होगी। ऑडियो विजुअल माध्यम से, PPT के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम में 6 एक्सपर्ट्स हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, उनके द्वारा अलग अलग विषयों पर वॉलीबॉल से संबंधित जितने भी तौर तरीके तकनीक हैं और वॉलीबॉल को किस बेहतर तरीके से हम खेल सकते हैं और ख़ासकर वॉलीबॉल के प्रति यहाँ के जनमानस में, खासकर के संगठित क्षेत्र के बच्चों में किस तरह से वॉलीबॉल के प्रति रुचि, अभिरुचि और चेतना का विकास हो, इसके लिए सारी चीज़ें, सारे की तैयारी हमारे रिसोर्स पर्सन ने की है। उस पर बहुत लंबी बातें होंगी, डिस्कशंस होगा और प्रतिभागियों के अनुभव और ज्ञान भी लिए जाएंगे कि किस तरह से जो बेहतर विधि है, जो बेहतर तकनीक है, जो तरीके हैं, जो प्रविधि है, उसको हम अपनाकर ग्रास रूट लेवल से विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में जो उदीयमान प्रतिभाएं हैं, जो नवोदित प्रतिभाएं हैं, उसको हम परिमार्जित करें, प्रकाशित करें, उसको मंच प्रदान करें।
धन्यवाद JTN न्यूज़ को। और ये जो कार्यशाला 3 दिवसीय है, अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया उसकी रूपरेखा क्या होगी। इसका जो विजन है वो है कि हमको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, ठीक है, क्वांटिटी को बढ़ाना है, तब जाके क्वालिटी आएगी। बेसिक फंडा यही है। और जिसके लिए हम लोग संगठित क्षेत्र को चुने हैं, ये संगठित क्षेत्र जो है स्पोर्ट्स के लिए बहुत सा ऐसा चीज़ है कि संगठित क्षेत्र और टेंजिबल क्षेत्र जो है दृश्य क्षेत्र, उसको टच नहीं किया जाने के कारण हम लोग बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी एसोसिएशन या फेडरेशन पूरे भारतवर्ष में हैं, स्कूल को टच नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो लैकडेजिकल एटीट्यूड से कर रहे हैं। तो ये जो है हम लोग को डायरेक्ट मोंगिया साहब और मोंगिया स्टील का एक स्ट्रॉन्ग हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ स्पार्टन कंपनी जो है बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स गुड्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी है, उसका भी साथ मिल रहा है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यहीं से भविष्य के जो चैंपियन पौध है उनको नर्चरिंग का जो ये मिशन है, ये 100% सिर्फ झारखंड में ही नहीं, झारखंड से आगे भी जाएगा इसके लोग। धन्यवाद।